चल सही है माशाल्लाह करारे करारे हो जाएंगे तो फिर मज़ा भी आएगा खान का। तो जल्दी जल्दी तैयारी करो तो फिर आइयो दोनों बैठिए तो कट्ठे खावांगे कट्ठे। हाँ मुँह बदल बुदल गरजता पाया पर बरसन वाली कोई गल नहीं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ सुबह तो ही पुँ पुँ करता पै अजे तक बारिश नहीं अगर गरजता ही पाया। हेलो जी मैं छिद के जावा माशाल्लाह कितने पाले बच्चे हैं मेरी लाडो के कितने पाले बच्चे हैं। ये टिंकू का बच्चा है और ये मेरी पिंकी का एक बच्चा उठा के ले आया ये छोटा बच्चा ना इसका ये बच्चा उठा के ले आया है। ये ना याद काफी देर दिया उन आई भी काफी देर दी 20 साल हो गया मेनू फोटो दे। हां तो वो उस तो भी 10 साल पहले 15 साल पहले गिफ्ट अथो चले गए शिफ्ट हो के पिंडी। मेरी अम्मी दी सेली सी ओदा ना सी खाला गुड्डो और अवल भी नहीं चले गए वो अम्मी ने गिफ्ट दे के सी शायद उन्होंने घर ओदी बेटियां साडा व्लॉग दे दिया और वो व्लॉग देखे कि तो चार भाई ने देखे के काम ये देख ले कि अभी भी सही है बिल्कुल मतलब के बनाने वाली नहीं है ये खराब ही नहीं होती ये वो वाला वान है जो खराब ही नहीं होने वाला बिल्कुल मतलब कि धूप में भी रहेगी ना किसी तरह रहेगी कि खराब नहीं होगा। तो इसको ना जो इसकी जो ये पहनते हैं दोने जो पहनते होते हैं ना ये टेलीफोन की तार दिया। अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स कैसे हैं उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह कामरान भी ठीक है बच्चे भी ठीक है अल्लाह पाक सबको ठीक रखे खुश रखे आबाद रखे हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे आमीन। जो लोग परेशान अल्लाह पाक की परेशानी दूर करे जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और शफा दे जो लोग परेशान अल्लाह पाक की परेशानी दूर करे जो लोग भी औलाद अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक को बेटी दे जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक को बेटा दे अल्लाह पाक साहब की दिल की ख्वाहिश पूरी करे आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे जो लोग बच्चे और बच्चे थे पीछे से परेशान अल्लाह पाक साहब बच्चे के नसीब बच्चे करे सब बच्चों के मुकदर बच्चे करे आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनका जन्म को दोस्त में अला मुकाम फरमाए अल्लाह पाक माँ बाप का सारा बच्चों के सर पर सलामत रखे अपनी फिर जो मान में रखे। मेरी प्यारी फैमिली ने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं बहुत सारा प्यार दिया हुआ है ऑल फैमिली के लव यू जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं फैमिली के लिए दुआ करते हैं खुश होते हैं थैंक यू सो मच आपके प्यार का और मोहब्बत का। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम मेरी वीडियोज़ आपके पास आती रहें। तो यहाँ पर जी मैंने अपना व्लॉग कर दिया स्टार्ट। यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा है आज अंधेरी तूफान भी आया मौसम अच्छा है हवा चल रही है हल्की फुल्की बारिश हुई है ज़्यादा बारिश नहीं हुई और मैंने की सारी सफाई वगैरह की क्योंकि मिट्टी धूल वगैरह आ चुकी थी फिर टेबल चेयर्स वगैरह सारा कुछ साफ़ किया वॉश किया और मेरे साथ कामरान भी लगे हुए थे और अभी कामरान साहब भी फ्रेश हो गए हैं। आजकल ये है कि कुछ खा नहीं रहे कुछ पी नहीं रहे इनका कुछ दिल ही नहीं करा पानी पी रहे ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैंने फांसे का शरबत बनाया फिर से जूस वो पिया और कामरान ने कुछ नहीं खाया मेरे ख्याल से बच्चे खा रहे थे पी रहे थे अजान सुबहान ये बाहर से खा के आए हैं अब्दुल खाले को भी साथ बाहर ले गए कि मम्मा हमने दे रहे हमें पैसे हम भाई कुछ जाके खा लेंगे तो वो खा के आए तो बच्चे कुछ मान ही ले कुछ खाने पीने को तो मैं सोच रही थी मैं कुछ बनाऊँ लेकिन कामरान तो खा लेते हैं फिर भी थोड़ा बहुत लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं खाया अभी तक कुछ नहीं खाया और यहाँ पर मैं कुछ बनाती हूँ फिर उनको खिलाती हूँ और बच्चों के लिए अंडे वगैरह बनाऊंगी वो कह रहे कि हमें बीफ नहीं खाना पता नहीं बच्चों को स्मेल आती है रेहान अजान सुबहान जो तीनों है ना बिल्कुल बीफ नहीं खाते उनको स्मेल आती है जो कुर्बानी का गोश्त होता है ज़ारा भाई लोगों ने कुर्बानी वगैरह की थी तो उन्होंने हमें मतलब बीफ वगैरह आया हुआ है छोटा भी आया हुआ है बड़ा भी आया हुआ है बच्चे कह रहे हैं कि मामा ये नहीं पकाना बाकी यहाँ पर क्या करेंगे जी हम जो है ना अपना पूछती हूँ क्या खाना है मैं वो बनाती हूँ क्या बनाऊँ थोड़ी बहुत बना दूँ कुछ चाय वगैरह अच्छा चले चाय भी नहीं थी चाय आ गई कुछ और बताओ यार कुछ खाने पीने की कामरा मुझे पता क्या कह रहे थे क्या बनाओ कामरा ने मुझे बोला था आलू मंडे का शोरबे वाला सालन बनाओ जो बॉयल्ड एग होते हैं ना वो बनाओ साथ में रोटी बनाओ कामरा ने ये बोला था और कह रहा ये मज़े का खाना है साथ में ये भी बना लूँ फिर वो भी बना लूँ जो बच्चों का दिल करेगा समझ नहीं आती यार क्या कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं बच्चे खा लेते हैं मुझे मैंने कह रहा है मुझे चिकन ला दें
तो वो मैं ना इनको शामी को बाबा बना देती हूँ, फिर तो उनके बर्गर वगैरह खाने होंगे तो वो खा लेंगे बच्चे। बच्चों की खाने की ज़रा टेंशन है मुझे, अब कामन भी हो रही है कि ये भी कुछ नहीं मान रहे। आटा वगैरह गूंथती हूँ या फिर मसाला वगैरह मैंने छील के रखा था, लहसुन छीला हुआ था साथ में, प्याज वगैरह टमाटर, मैंने कहा चलो इसको कुछ बना के देती हूँ। तो थोड़ा बहुत बीफ का सूखा हुआ भुना हुआ बनाते हैं सालन, और मतलब कि साथ में बच्चों के लिए कुछ अंडा वगैरह बनाते हैं, और कामन के लिए कुछ पूछती हूँ क्या खाना है वो बनाते हैं। हाँ जी माशाल्लाह जी, मेरी ये सोनी शहजादी है, हीरिए चंद मखनी है, तो मेरी ये फुलबतीनी है। वाह अद देखो जरा, वाह वाह वाह, बच्चे खाने रही बेबी, वाह वाह माशाल्लाह। कल आके क्या कर बीफ शीफ तो चलो जड़ा भी है खाना है नहीं खाना, कई इधर आनिया कई जानिया गल है कि माशाल्लाह हर एक। मैं तो यही दुआ करना कि जड़े भी बहन भाई कहे तो दूर है मुल्क तो बहर है, अल्लाह ताला उन्हां नूं सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने फैमिली दे नाल ईद मनाण दी होए, गोश्त गुश्त दे ते बहाने हुंदे ने किन्ने खाना ते किन्ने नहीं खाना, कुछ आ जाते हैं ते कुछ नहीं आते अपनी फैमिली की सारी ईद। और वैसे ईद दी रौनक ओही हुंदी है जिहड़ी तुसीं खाना घर बनांदे हो, इकट्ठे खांदे हो, खत्म दलांदे हो, एक दूसरे दे नाल ईद मिलदे हो, ते इही ईद हुंदी है ईदां। सबसे पहले ईद का मजा वो आता है कि जब हम सुबह घर अपना रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, जल्दी करो ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, उसके बाद हम जाते हैं अपना अपने माँ बाप को मिलने के लिए कब्रिस्तान, तो उसके बाद जब हम घर आके ईद मिलते हैं ना सबके साथ, वो बहुत ही मज़ा है। वो दिन बड़े वो होती है ईद के, भी बंदा जो कुर्बानी करता है वो बनाता है खाना वगैरह कबाब वगैरह, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करता है, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, वो मज़ा होती है ईद। ये क्या ईद हुई कुर्बानी का गोश्त किया और घरों घरों में भेज दिया, मतलब कि फैमिली के साथ पकाया नहीं खाया नहीं, ये पहले हुआ करता था जब हम छोटे छोटे थे ना, जो तो असी छोटे सी ना साढ़े सिस्टम दे आया होता है कि खाना घर भी। माशाल्लाह जी गल है कि हुन आटा गुन्नो तो अपने घर दी रोटियां पकाओ बस, पहले पहले भाजी घर दी रोटी पका के खत्म दवा के हर एक जड़ा ना माशाल्लाह सारे नूं बिठांदे सी, ते हर घर दे विचों आंदा रहा सी के क्योंकि सस्ते दौर सी ना, ते कुरबानी भी हर एक करदा सी, हुण ते बेचारे हुण ते लोग कुरबानी सारे नहीं कर सकदे बहुत, बल्कि फ्रिजा आ गईआं, उदों फ्रिजा घट सी लोग गोश्त बांट दिंदे, हुण लोगां नूं पता कि स्टाक किस तरह करदा है। कहंदे ने गोश्त महरमा तो पहले पहले खत्म कर देना चाहिए ईदा, इतने मरमा अगली मरमा तक आई जाता। सही बात है, मैं बड़े बड़े लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी देर तक स्टॉक कर रहे थे ना, कोई नहीं पर माशाल्लाह सोने शहजादे इधर आटा गुन के की बना लगे हो? आटा गुन के नहीं, वो बच्चे आ गए बच्चे वास्ते ना, मैं कहनी कुछ बनावा वास्ते ना, बनानी है प्याज रेंगे या जो कहते वो बना लेनी है। चलो जी बनाओ फिर, जब तक आप ये खाएं वाटरमेलन है बीठा, वैसे कुछ तो खाओ तब तक मैं कुछ बना रही हूँ साथ साथ। मैं यान समान वाटरमेलन आपको आप भी खा लो, अब तो खाली मम्मी नहीं अभी खाती आपने, इस तरह कौन खाता है वाटरमेलन? हम खाते हैं। ये देखिए जी कितना प्यारा हो, कितना वाइट निकला है, रेड निकला है और मैंने पीस भी कर ली है और नमक भी पास रख लिया है। नहीं मज़ा बोलो आपको नहीं ना पसंद ना, आप खाते नहीं हैं कामना वाटरमेलन नहीं पसंद करते ना, इसलिए नहीं कामना को अच्छा लगता। मैं पसंद करती हूँ बहुत सारा, मुझे अच्छा लगता है। नहीं खाना देना पानी पी लो। वाह जी वाह रोटियां छोटियां वाह जी माशाल्लाह जी, हुन खाना बना दो कुछ भी खा लिए, भुख लग गया हुन ते जो जो नहीं मैंने वाला फिर लिखला है मैं कि भूख लगी कि ना थी कि हुन उठी दो हां और भूख लग गई थोड़ा खाना दो और कुछ हुन दिल कर रहा सुबह दा। वैसे एक गल कुछ ना खाते दा ते फिर कुछ भी मिल जाए ना फिर बंदा कहंदा कि हां हुन ठीक है। मैं कुछ नहीं खा रहा, मैं तो फिर सास ने शरबत बना के पीता, सारे ने ब्लैक छोटी सिस्टर भी आई हुई थी मेरी, बच्चे आए बच्चे सब ने पिया थे हमने, और मैंने बोला खाना वगैरह वो खुद नहीं खाती, वो भी बीफ नहीं खाती वो भाई ना अपने बच्चों के साथ भी घूमने फिरने के लिए बाहर गई थी,
میں نے کہا کہ چلو کچھ بنا لیتی ہوں، میں چکن منگوا لیتی ہوں، پھر آ جاؤ، میرے بچے بھی نہیں کھاتے، ایسے بچے بھی نہیں کھا رہے تھے۔ اچھا جی، یہاں پہ نا بس میں نے نا پھر ٹکا بھونا ہوا مسالہ ڈالا، پیاز لہسن وغیرہ ڈال کے نا تھوڑا سا نمک مرچ ڈالی، لائٹ لائٹ بنی نا، پھر تھوڑا سا نا وہ کیا کہتے ہیں گوشت ایسے ہی بنا لیا، قورمہ پھیل گئی نا، یہ کھاتی ہوں بن گیا، اور کامرا کو لگی ہے بھوک، کامرا میں کبھی گرم گرم روٹی ہے، ہاں جی تو گرم گرم مسالے بنا ہوا ہے، نہیں یار کٹھے کھانا مزہ اپنا ہے، کٹھے کٹھے ہی ہوتا ہے بندہ، کٹھے رہتا ہے، کٹھے جی ہاں گے، کٹھے ادھر پھر اج گانا تیرے نال جیاں گے تیرے نال مراں گے، ایویں رسیا نہ کر میری جان، رسا لگی نا تو پھر آئی گل کٹھے کٹھے، ایویں رسیا نہ کر میری جان سجنا ایک دن چھڈ جانا ہے، گانا کوئی سی تو جانا کدھر ہوا ہے، چلو کوئی گانا دیکھ لینا کوئی ہاں، یہ گل کرنا ہے چیتا نہیں آیا، چل صحیح ہے ماشاء اللہ، کرارے کرارے ہو جان گے تو پھر مزہ بھی آئے گا کھانا، تو جلدی جلدی تیاری کرو تو پھر آئیو دونوں بیٹھیے تو کٹھے کھاواں گے کٹھے، ہاں موہ بدل بدل گرجتا پیا پر برسن والی کوئی گل نہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، ہاں صبح تو ہی پوں پوں کرتا پیا اجے تک بارش نہیں، بڑ گرجتا ہی پیا، ہلو جی لو جی باہر جدو گیا تھے بارش بادل جڑا نا گرجنا بند ہو گیا، موٹر سائیکل کی آواز آنا شروع ہو گئی، پر ہے کہ بدل بہت گرج رہا، بار بار گرج رہا، چلو فون بھی آ گیا، چلو ہوں بارش آئے گی تو پھر نہا لا گے، ہاں جی جناب علی، جناب علی یہ کیا آنڈے میں عید والے دن آتے لوگ گوشت کھانے تو آنڈے بنائی جا رہی ہیں یار، ہے کوئی گل ہے یار، بس ٹھیک ہے پھر بچہ نے آنڈے آنڈے ہی آنڈے بنا دیتے پیاز پیوز ادرک شدرک ہری مرچ پا کے ہوندا ہے، چلو بچو آجو اب کیا آنڈے بن گئے ہیں، چلو جی آڈے شاڈے بناؤ تو پھر ساڈے اگے پیش کرو تو پھر آپ بھی آ جاؤ کٹھے کھائیے، جی جناب اوئے محمد بھی نہیں لے کر آیا، محمد آپ بھی کھاؤ گے کل آ جانا ہمارے گھر، آپ کے گھر بھی ہے بھنڈی، پھر کل آپ بھنڈی پکاؤ گے تو ہم بھی کل بھنڈی پکائیں گے، یہاں پہ ہمارا کھانا تو ریڈی ہو گیا لیکن یہاں پہ بارش بھی آ گئی ہے بہت تیز، اور بارش میں ہم بیٹھ گئے نکے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں، ہاں جی جناب بارش بہت تیز آ گئی ہے، ویسے بھی بارش میں کھانے کا اپنا ہی مزہ، بسم اللہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ماشاء اللہ بہت ٹیسٹی مزیدار، مہمان اٹھ گیا تھا اور مما سامان کے لیے بنا رہی ہے یہاں پہ پرانٹھا،
तो और साथ में कहता मम्मा मुझे खाना है ऑमलेट प्याज और हरी मिर्च वाला, इसके लिए मैं बना रही हूँ तो वो खाएगा अब ये। काका शहजादा साहब उठ गए हैं, डाल दिया है ऑयल थोड़ा सा इसके अंदर, ये निखेरी मज़ेदार सा इसका ऑमलेट, दो दफ़ा बनाऊँगी भी अच्छा बन जाएगा, नीचे ना ऑयल नीचे आ जाएगा और सामान हो जाएगा। हैप्पी हैप्पी ज़्यादा बच्चा मेरा शहरों सुबह का कुछ नहीं खा हुआ इसने ना, मुझे कहता मम्मा मैं यही बना के दो, मेरे कहते मैं यही बना देती हूँ, इसको पलटा देती हूँ अच्छे से कुक हो जाता है, इसको उतार के रख लेंगे परांठे के ऊपर, इसको ये भी बाद में बना देंगे, एक परांठा इसका और बना देते हैं। ये अजी से बन गया माशाल्लाह, इसको देते हैं खाता है ये, यहाँ पे बन गया जी ये सुबहान का अंडा परांठा, सुबहान ऊपर तो देखो ये सो के उठा है, ये चस्के लगा रहा है इसके साथ में आना, ये देख मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ चाय, लाइट भी चली गई है अभी, यहाँ पे हम चाय शाय बनाते हैं तो चाय शाय पीते हैं। हमारी मज़ेदार चाय बारिश के मौसम में, यहाँ पे हो गया बारिश, मौसम मज़ा अच्छा हो गया, प्यारा हो गया, बारिश हुई है लेकिन थोड़ी हुई है लेकिन अभी भी मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होनी है बाद में, चाय शाय पीते हैं इसको इंजॉय करते हैं। ये देखिए आई आवाज़ बारिश, यहाँ आने तैयारी की हुई है बारिश में नहाने की, मैंने भी अभी फुल तेज़ आनी है बारिश, यहाँ पे चाय आ गई है बेटा अपनी चाय ले लो और आ जाए जी, बस हो गई ये खाओ भी चाय शाय खा लो, तो यहाँ पे जी मेरी चाय है इसको करते हैं, चाय शाय पीते मैं छिद के जावा माशाल्लाह, कितने पाले बच्चे हैं मेरी लाडो के, कितने पाले बच्चे हैं, ये टिंकू का बच्चा है और ये मेरी पिंकी का एक बच्चा उठा के ले आया, ये छोटा बच्चा ना इसका, ये बच्चा उठा के ले आया है, मैं छिद के जावा कि डचो ना बच्चा ही है, ये देखो दूध ये देखो इसका बच्चा नहीं है पिंकी का बच्चा उठा के ले गए प्यार कर रहा है, छोटा बच्चा एक पिंकी का बच्चा है उसको प्यार कर रही है, इसका बच्चा उठा के ले आई है, ये बच्चे जो दूसरी बिल्ली का बच्चा है जो उठा के ले आया है, माँ सद के जाए देखो उसके फीड करवा रही है, पिंकी लाडो ये टिंकू है, टिंकू है, टिंकू तेरे है, तेरे बच्चे है, ये देखिए छोटा भी है एक में, इसमें इसको भी साथ में दूध पिलाओ ना, इसको भी दूध पिलाओ। मैंने आज कामरान से बोला था, मैंने कहा कि मैंने आज ना चारपाई पे सोना बाहर, बहुत मौसम बहुत प्यारा है, जो चारपाई है बड़ी वाली बहुत वजनी है, ये पड़ी थी छत पे, बड़ी मुश्किल से कामरान ने उतारी है, जरा ना पुराने वक्त दे विच जेड़े बोर वाला पाइप हुंदा सी ना ओदी चारपाई बनी दी है लोहे दी, बहुत वजनी पाइप है, मैंने कहा कि मैंने सोना जो मर्जी हो मैंने बाहर ही सोना है, कहना जिद है तेरी बाहर सोना है, अंदर एसी लगाया इतना मज़ा आया, मैंने कहा ये मौसम बहुत प्यारा है, मैंने बाहर सोना है, यहाँ पे ना बड़ी ठंडी और बड़ी मज़े की हवा है, बाहर तो सोने का अपना ही मज़ा है, ठंडी ठंडी और फ्रेश हवा में, और ये चारपाई धोने वाला काम है ना ये बड़ा मुश्किल है, हाथ में भी लग सकता है, हाँ जी चारपाई हमारी काफ़ी पुरानी बनाई हुई है लेकिन ये देख ले धूप धूप में ऊपर रहती है, ये छत पर ही रहती है तो पड़ी रही ऊपर, चारपाई चुके लै के आया भी चारपाई है, बड़ी वजनी है और बहुत ही मजबूत है, खाला गुडो रावल पिंडी चले गए, अम्मी नु गिफ्ट दे गए, शायद उन्होंने घर ओदी बेटिया साडा व्लॉग देख लिया और वो व्लॉग देखी कि तो चारपाई नु देखे ये देख ले कि अभी भी सही है बिल्कुल, मतलब के बनाने वाली नहीं है, ये खराब ही नहीं होती, ये वो वाला वान है जो खराब ही नहीं होने वाला बिल्कुल, मतलब धूप में भी रहेगी ना किसी तरह रहेगी, ये खराब नहीं होगा, तो इसको ना जो इसकी जो ये पहनते हैं
جو ٹیلیفون کی تار کی نا اس کی بنی ہوئی ہے یہ. تو بس کامرہ صاحب اس کو اچھے سے واش کرتے ہیں اس کو ہم پانی کے ساتھ, پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ چھت پہ پڑی ہوئی تھی نا اس لیے. جی فرینڈ, میں آ گئی تھی روم میں اور باہر ماشاء اللہ بہت پیارا موسم ہے, بہت اچھا موسم ہے. بچے بیٹھ گئے دوسرے روم میں اور میں اور کامرہ باہر ہے ابھی, تو وہ بھی ادھر آتے ہیں روم میں اے سی وغیرہ لگاتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا, دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو آج کی ایکٹیویٹی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا, شیئر کرنا اور بیل کو پریس کرنا تاکہ تمام میری ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کی ہر تمنا ہر خواہش پوری کرے. جو میری پیاری سسٹر ہے جو مجھے دعا کے لیے بولا تھا, آپ ہی میرے لیے دعا کرنا اسپیشلی. میں ہمیشہ خوش رہوں اور میں تھوڑی سی پریشان ہوں, ایک ہفتہ ہو گیا. اللہ پاک آپ کی پریشانی دور کرے, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. میری آل فیملی کے لیے لو یو, میں دل سے دعا کرتی ہوں, اللہ پاک قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ چاہوں گی اجازت, صبح ملیں گے نئی اچھی نئی گڈ مارننگ کے ساتھ, نئے اچھے لوگوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے.